Good morning, good afternoon, good evening. Kevin Lopez back from Personal Tutor. Nice meeting you guys. Aaj mass communication ki playlist mein, we will be talking about the theories of press and media. ये जो प्रेस होती है, ये जो मीडिया होती है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ थ्योरीज एप्लीकेबल होती है जिसके बेसिस पे इनको कार्यरत होना पड़ता है. दैट मीन्स दे हैव टू वर्क रिलाइंग अपॉन सर्टन थ्योरीज थ्रू विच दे विल बी एबल टू गो अहेड एंड वर्क प्रॉपरली. विल स्टार्ट फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स. नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी कि जब प्रेस और मीडिया फलने फूलने लगा था, ग्रोथ आने लगी थी, एक थ्योरी आई थी, थोड़ी अजीब सी लगेगी, दैट इज अथॉरिटेरियन थ्योरी. मतलब अथॉरिटी, प्रेस और मीडिया के ऊपर किसी का बस चलता है. आज ये सुनने में बड़ा जाहिल सा वर्ड लगेगा, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एक टाइम पे अथॉरिटेरियन थ्योरी आई थी. इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज फर्स्ट. सबसे पहले ये बताया कि प्रेस और मीडिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए एक अथॉरिटेटिव फिगर को. दैट मीन्स प्रेस और मीडिया कभी भी उठ के अपने आप को एक यूनानिमस लीडर नहीं बना सकती है. दे हैव टू गो अहेड एंड ओबे टू एन अथॉरिटी. आइदर इट शुड बी एन एडिटर, सब एडिटर, ऑनर, एनीवन, गवर्नमेंट अक्सर देखा गया है. दिस इज सो एज टू ब्रिंग इट अंडर अ ऑर्गेनाइजेशनल अम्ब्रेला. एक पर्सन मैनेज करता है चीजें, उसे मैनेज करने दो. तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो दिस वर्क्स. नेक्स्ट आया है अवॉइड स्पॉइलिंग इमेज और ऑफेंडिंग एनीवन. मतलब जो अथॉरिटी है उनके ऊपर, भले ही वो ओनर हो, कोई यू नो एडिटर हो, गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी इमेज को क्षति नहीं पहुंचाना है या डिफेम नहीं करना है. ये चीज़ें थोड़ा सा दूर रखना चाहिए. किसी पर्सन की इमेज को ख़राब करना, मतलब उस पर आरोप लगाना, उसके पीछे पड़ जाना, अक्सर हम देखते हैं प्रेस एक्चुअली डज दैट. तो ये चीज़ें रोकने के लिए अथॉरिटेरियन थ्योरी एप्लीकेबल की गई थी. अब धीरे धीरे इस थ्योरी को रिपेल करना शुरू करा लोगों ने, क्योंकि इट हैपेंस सो कि प्रेस और रिपोर्टर्स की फ्रीडम कहीं ना कहीं काट दी गई, उनके जो पंख थे वो काट दिए गए थे. दोस्तों थ्योरी के हिसाब से जो रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स बना के सबमिट करते थे, हो सकता है एक सेंसेशनल न्यूज़ हो, किसी बड़े यू नो करप्ट मामले का खुलासा हो, या एक बहुत बड़ा क्राइम स्कैंडल खुल रहा है, बट द रिपोर्ट्स हैड टू बी सबमिटेड फॉर एडवांस सेंसरशिप. मतलब जो पर्सन मतलब रूल कर रहा है, जो अथॉरिटी होती है, वो उस रिपोर्ट को पहले देखेगी. अगर उसे लगता है कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, तो लेट्स कंसिडर एक मीडिया हाउस है फ्रेंड्स. आई एम नॉट बींग जेनरिक, आई एम लाइक बींग कैजुअल यू नो स्पीकर राइट नाउ. एक मीडिया हाउस है, उसके किसी पुराने क्लाइंट, जो कि उसके अंदर काफ़ी एडवर्टाइज देता है, उस क्लाइंट के खिलाफ एक रिपोर्टर ने बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ निकाली. मीडिया हाउस विल ऑटोमेटिकली गो अहेड एंड लॉक दैट न्यूज़, बिकॉज एक तरीके से हमारा रेवेन्यू जनरेशन हम कम नहीं करेंगे, और अगर हमने वो चीज़ छाप दी तो वो पर्सन शायद हमारे साथ टर्म्स रखना छोड़ देगा. तो यहाँ पे थोड़ा अथॉरिटेरियन थ्योरी डाउटफुल हो जाती है. इट एक्चुअली इज बीइंग क्वेश्चन्ड नाउ. अगर ये ज़्यादातर देखा जाए तो उन मामलों में होता है जब वॉर्स हों या इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो. मीडिया हाउसेस बहुत सोच समझ के सेंसरशिप मेंटेन करती है कि एक रिपोर्टर क्या खबर दे रहा है और न्यूज़पेपर या मीडिया में क्या खबर जा रही है. सो दे नीड टू गो अहेड एंड बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भड़काऊ होती है. अभी करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है. आप देख सकते हैं कि प्रेस और मीडिया के बीच में एक तालमेल रहना चाहिए कि वो क्या छाप रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, व्हाट पब्लिक इज लुकिंग एट. क्योंकि अगर कुछ भी इररिस्पेक्टिव ऑफ बिलीव्स छपता है, सो इट इज बोर्न टू इंस्टिगेट सम कॉन्फ्लिक्ट्स माय फ्रेंड्स. तो वो चीज़ें स्पेशली सेंसरशिप के दायरे में आ जाती है. अगेन डिक्टेटर्स और डेमोक्रेसी
ये दोनों जगह देखा गया है कि डिक्टेटरशिप में भी ऐसे सेंसर्स लगते हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी लगते हैं. डिक्टेटर फोर्स से लगवाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री धार्मिक भेदभाव रोकने के लिए या हिंसक गतिविधियां रोकने के लिए इन चीजों को एप्लीकेबल करती है. सो इट कैन बी सीन इन बोथ टाइप ऑफ रिजाइम्स. That is a dictatorship as well. Dictatorship mein they often go ahead and ban you or control you, instigate some sanctions upon you so that you can't go ahead and print anything against the authority or anything, atrocity or anything. Democracy mein it is a total opposite. They have to maintain the law and order, peace and all things has to be maintained. So in such matters it can be seen in both places. एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ब्रिटेन में लागू हुआ था और इंडिया में हुआ था. ब्रिटिश काल की बात हो रही है. ये था कि जो सरकारी गतिविधियाँ हैं उनको हम काफ़ी हद तक नीचे ले आएंगे, उनको हम प्रेस और मीडिया में नहीं जाने देंगे, लोगों को ज़्यादा पता होना नहीं चाहिए. सो दिस इज़ बेसिकली द अथॉरिटेरियन थ्योरी. आज इसे काफ़ी हद तक रिपेल कर दिया गया क्योंकि मीडिया हाउसेज खुद इतने पावरफुल हो गए हैं कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं कहीं वो लोग रन करते हैं. स्टिल इट इज कंसिडर्ड एट सम प्लेसेस एंड दिस वॉज द क्रक्स ऑफ अथॉरिटेरियन थ्योरी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई इन्फॉर्म यू दैट वी हैव सक्सेसफुली स्टार्टेड गिविंग वन ऑन वन ऑनलाइन सेशंस. माई फ्रेंड्स को इंटरेस्टेड है नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. विल बी मीटिंग यू देयर. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.